रंग पंचमी एवं आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए बम स्क्वाड टीम ने तकनीकी उपकरणों के साथ शहर में चेकिंग की तैयारी की। रंग पंचमी सहित आगामी त्योहारों पर शहर में किसी तरह शांति व्यवस्था में व्यवधान न हो, इसके लिए पुलिस सतर्कता बरत रही है। पुलिस बल के साथ बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड भी शहर में तैनात की गई है। शनिवार को बम स्क्वाड टीम ने तकनीकी उपकरणों के साथ शहर में चेकिंग की तैयारी की। बम स्क्वाड के सब इंस्पेक्टर संजय मौर्य ने बताया कि किसी तरह की खलल न हो, इसके लिए अलर्ट है। विभिन्न तरीके के इक्विपमेंट्स के साथ बस शहर में पहुंचेगी और जवान एहतियातन सर्चिंग करेंगे। गत वर्ष रामनवमी पर हुए दंगों से सबक लेते हुए इस बार पुलिस और बम निरोधक दस्ते के साथ सुरक्षा का औचक निरीक्षण किया जाएगा। ये कल रंग पंचमी है तो कुछ पुरदंगी लोग होते हैं जो गदर फैलाने की कोशिश करते हैं। जैसे पिछली बार अभी कुछ टाइम पहले खरगोन में दंगे हुए थे, तो वैसे अपवादी तो लोग होते हैं जो करते हैं, तो कहीं हो सकता है वो थ्रेड वगैरह की कोशिश करें। तो हम लोग पहले से अलर्ट हैं और इसके साथ की मंशा है कि पूरा तरीके से कोई भी खतरा ना हो और पूरा एंटी सपोटास चेक हो जाए, तो उसके हम पहले से प्लानिंग कर रहे हैं। तो अभी शाम को भी चेकिंग होगी और कल सुबह से शाम तक यथावत रहेगी। क्या क्या इक्विपमेंट है सर हमारे पास? हैं NLJD है, पोडर है, एक्सटेंशन मिरर हैं, माइंस हैं, लगभग सारे इक्विपमेंट हैं जो अवेलेबल होने चाहिए वो सारे हैं। और कल उस सब पूरी की पूरी अपनी BDS की जो टीम बस होती है उससे पूरा मई जवान पूरा चेकिंग होगा, पूरा सिटी होगा। डॉग स्क्वाड भी सर? हाँ, डॉग भी रहेगा, डॉग माइला है, ये भी साथ में रहेगी और मैन यही होती है हमारी। इसके साथ में इक्विपमेंट होते हैं, वो सारे इक्विपमेंट के साथ में पूरा चेकिंग होगा पूरा शहर। डिजियाना न्यूज़ निमाड़ खरगोन। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज़ निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।